किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई बजट इस वक्त असेंबली में पेश किया जा रहा है। इससे पहले सर्विसेज में 6.2% और जब स्पीकर नए पाकिस्तान ने पुराने 10 साल में जो एक्सपोर्ट्स बरामदात 25 अरब से बड़े ही नहीं थे वो एक साल में 32 अरब डॉलर का हदफ अबूर करके दिखाए। महाना तरसीलात जर यानी रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं 2018 के नस्बत 4 साल के अंदर दुगनी की। जो हमें विरासत में महाना 2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा मिला था वो 2 साल के अंदर खत्म किया और फिर कोविड की शदीद आलमी अफरात जर के दबाव के बावजूद जब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा तो वो सिर्फ 64 करोड़ रुपए का छोड़ा जबकि हमें मिला था 2 अरब रुपए महाना का। जहां पे स्पीकर लोग कर्जों की बात करते हैं कि कर्ज ज्यादा हो गए, कर्ज मेजर करने का बेहतरीन तरीका होता है पब्लिक डेट टू जीडीपी कि आपके मईशत के टोटल हिस्से में डेट कितना है, जनाब कर्जे कितने हैं। जहां पे स्पीकर पूरी दुनिया में यह डेटा देख लें पेज 11 पे एडवांस्ड इकोनॉमीज में कर पब्लिक डेट टू जीडीपी 72% से 105% बड़ा, इमर्जिंग इकोनॉमीज में 35% से 54% बड़ा, लो इनकम इकोनॉमीज में यानी गरीब मुल्कों में 14% से 44% बड़ा। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जहां पब्लिक डेट टू जीडीपी कम हुआ 77% से 70% तक कम हुआ। अब स्पीकर टैक्स कलेक्शन 6.1 अरब रुपए की तारीखी वसूली इस साल करके दिखाई और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इन 3 सालों में अगर आप पिछले तीनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए। 2008 से 13 तक सालाना 14 लाख मुलाजमतें, 13 से 18 तक 11 लाख और 18 से 21 तक 18 लाख फी साल मुलाजमतें पैदा हुई। और जब स्पीकर बेरोजगारी की शरह जो पूरी दुनिया में ज्यादा हुई कोविड के हालात में, बेरोजगारी की शरह भी पूरे बड़े सगीर में सबसे कम रही और ये मैं नहीं कह रहा ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, इंडिया में 6%, पाकिस्तान में 4.4%। जब स्पीकर इमरान खान ने फलाई रियासत की तरफ वो तारीखी कदम भी लिए जो इस मुल्क की तारीख में नहीं लिए गए, एहसास पनागा किसान कार्ड और सेहत कार्ड, वो तारीखी प्रोग्राम जिसने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दिया। जब स्पीकर एक मिनट सोचे ये सब कुछ हुआ कब, ये जो ग्लोबल रिसेशन आई है दूसरे जंग अजीम के बाद ये दुनिया की बदतरीन माशी रिसेशन थी और उस बदतरीन माशी रिसेशन में ये तरक्की करके दिखाई। नाब स्पीकर ये तो था इमरान खान का पाकिस्तान, आज क्या हालात है? 2 महीनों के अंदर डॉलर 178 से 202 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 210 रुपए पे, डीजल 149 से 204 रुपए पे, बिजली 17 से 25 और गैस 589 से 854। ये जो महंगाई का बम है ये पिछले 2 महीनों में ही आया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर हुकूमत ली क्यों? जनाब स्पीकर यही है असल में वो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान जिसकी ये बात कर रहे थे। आगे बढ़ते 2021-22 के खैबर पख्तूनख्वा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। सूबाई महसूलात
पिछले तीन साल में ढाई गुना बढ़े हैं, 31 अरब रुपए से 75 अरब रुपए तक। पिछले तीन सालों में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी मुल्क की बेहतरीन रेवेन्यू अथॉरिटी बनी है, तीन साल में तीन गुना आमदन ज्यादा किया। 2021-22 में इन मुश्किल हालात के बावजूद 260 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती अखराजात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्याती बजट है, सिंध और पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बजट की शरह खैबर पख्तूनख्वा में है। सिंध और पंजाब में 21 और 22% बजट तरक्याती बजट दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में 33% दिया जाता है। माली इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ नए कवानीन लाए जिससे ये सारा निज़ाम बेहतर होने का मौका मिला। और जनाब स्पीकर, चूंकि ये सूबा अच्छा चला, वो सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार था, पीटीआई की हुकूमत में सरमायाकारी का मरकज बन गया। आज यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, हिल्टन होटल, कोक, स्टील, बड़ी आईटी कंपनीज जैसे अफिनिटी खुद से खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये वो तरक्की का सफर है जो पीटीआई ने पिछले 8-9 साल में यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में करवाया। नाब स्पीकर, अभी आते हैं 2022 और 23 के बजट के अहम नुकात की तरफ और फिगर्स की तरफ। नाब स्पीकर, 2022-23 का बजट, तमाम बजट अखराजात 1332 अरब रुपए, जिसमें सेटल अजला के लिए 1108.9 अरब रुपए और जमशुदा अजला के लिए 223.1 अरब रुपए। नाब स्पीकर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफसोस से इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की है वो सिर्फ 124.3 अरब रुपए की है मर्ज अजला के लिए। करंट बजट कुल 913.8 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला के लिए 789.8 अरब रुपए और जमशुदा अजला के लिए 124 अरब रुपए, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की है सिर्फ 60 अरब रुपए की। और जनाब स्पीकर, तरक्याती बजट कुल 418.2 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला के लिए 319.2 अरब रुपए और जमशुदा अजला के लिए 99 अरब रुपए, जिसमें फेडरल फंडिंग सिर्फ 50 अरब रुपए और बाकी सूबा और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से जो है वो मिल रही है। नाब स्पीकर, अभी आते हैं आमदन और महसूलात की तरफ और उनकी तफसील। वफाक के टैक्स महसूलात 570.9 अरब रुपए, काबिल तकसीम महासिल का 1% बराए दहशत गर्दी 1% वॉर ऑन टेरर 68.6 अरब रुपए, तेल और गैस की रॉयल्टी और सरचार्ज 31 अरब रुपए, नेट आइडल प्रॉफिट्स और इसके बकाया जात 61.9 अरब रुपए, सूबाई टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 85 अरब रुपए, बैरूनी तरक्याती इमदाद यानी फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस बराए सेटल्ड अजला 88.9 अरब रुपए, बैरूनी तरक्याती अमदाद बराए जमशुदा अजला 4.3 अरब रुपए, ग्रांट बराए जमशुदा अजला 208.7 अरब रुपए, जिसमें फेडरल फंडिंग सिर्फ 110 अरब रुपए हुई है, इसके बावजूद कि हम वहां पे गए और उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। दीगर महसूलात 212.7 अरब रुपए, कुल महसूलात 1332 अरब रुपए। नाब स्पीकर, अखराजात की तफसील। तनख्वाह सेटल्ड अजला में 372.1, जमशुदा अजला में 75.8 अरब रुपए, कुल रकम 447.9 अरब रुपए। पेंशन सेटल्ड अजला में 106 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 1 अरब रुपए, कुल 107 अरब रुपए। तनख्वाह के अलावा जिसको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कहते हैं अखराजात, हंगामी अखराजात और जिली अखराजात सेटल्ड अजला में 200.2 और जमशुदा अजला में 47.2, कुल 247.9
4 अरब रुपए। दीगर करंट अखराजात 111.4 अरब रुपए, सारी तफसील व्हाइट पेपर्स में। नायब स्पीकर, टोटल तरक्याती बजट 319.2 अरब रुपए, सेटल्ड अजला के लिए 99 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए कुल 418.2 अरब रुपए, जिसमें फंडेड 383.5 अरब रुपए, क्योंकि बाकी गैप वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया। इसकी तफसील भी यहाँ पे है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम जो सेटल्ड अजला और मर्ज्ड अजला का है, वो 275.5 अरब रुपए, जिसमें फंडेड में फंडेड 241 अरब रुपए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम लोकल गवर्नमेंट्स के लिए सेटल्ड अजला में 37 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 4 अरब रुपए, कुल 41 अरब रुपए। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस सेटल्ड अजला में 88.9 अरब, जमशुदा अजला में 4.3 अरब, कुल 93.2 अरब। और PSDP की फंडिंग, ये उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है जो सूबा एक्सिक्यूट करता है, तो वफाक से सूबे को पैसे आते हैं, वो पिछले साल से आधी करके 8.3 अरब रुपए कर दिए वफाकी हुकूमत ने। नाब स्पीकर, अब डिपार्टमेंट वाइज बजट पे जाते हैं, जो पेज 29 से शुरू होता है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर, करंट बजट 14.8 अरब, तरक्याती बजट 10.6, बैरूनी इमदाद 3.98, कुल 39.458 अरब रुपए। औकाफ, जारी बजट 3 अरब रुपए, तरक्याती बजट 1.1 अरब रुपए, कुल 4.19 अरब रुपए। मवासलात और तामीरात यानी कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स, जारी अखराजात 10.98 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 47.8 अरब रुपए, बैरूनी माली इमदाद 12.8 अरब रुपए, कुल 71.6 अरब रुपए। एनर्जी एंड पावर, जारी अखराजात 527 मिलियन 52.7 करोड़, तरक्याती अखराजात 7.7 अरब, कुल 20.9 अरब, कुल 29.2 अरब रुपए। माहौलियात यानी एनवायरनमेंट, जारी अखराजात 4.1 अरब, तरक्याती अखराजात 4.7 करोड़, कुल 4.19 यानी 4.2 अरब रुपए। एक्साइज एंड टैक्सेशन, जारी अखराजात 1.4 अरब, तरक्याती अखराजात 20.4 करोड़, कुल 1.6 अरब। फाइनेंस, जारी अखराजात 14.2 अरब, तरक्याती अखराजात 5.5 करोड़, बैरूनी मालियती इमदाद 18.1 अरब, कुल 32.4 अरब रुपए। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात, जारी अखराजात 2.47 अरब, तरक्याती अखराजात 3.6 अरब, बैरूनी माली इमदाद 30 करोड़, कुल 6.4 अरब रुपए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 6.2 अरब, 3.6 और 30 करोड़, 4.4 अरब रुपए हो गए। जनाब स्पीकर, सेहत का बजट, जारी अखराजात 178.2 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 23.3, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 4.2, कुल 205.7 अरब रुपए का सेहत का रिकॉर्ड बजट। आला तालीम, जारी अखराजात 25.9 अरब, तरक्याती अखराजात 8.3 अरब, कुल 34.19 अरब रुपए। होम डिपार्टमेंट, जारी अखराजात 98.4 बिलियन, तरक्याती अखराजात 3 अरब रुपए, कुल 101.5 अरब रुपए। हाउसिंग, जारी अखराजात 15.5 करोड़, तरक्याती अखराजात 66.8 करोड़, कुल 82.3 करोड़ रुपए। इंडस्ट्रीज यानी सनत, जारी अखराजात 99.5 करोड़, तरक्याती अखराजात 3.9 अरब, कुल 4.9 अरब रुपए। इंफॉर्मेशन, जारी अखराजात 1.4 अरब, तरक्याती अखराजात 38 करोड़, कुल 1.8 अरब। आबपाशी, जारी अखराजात 6.3 अरब, तरक्याती अखराजात 17.88 अरब, बैरूनी इमदाद 1.5 अरब, कुल रकम 25.7 अरब रुपए।
आबपाशी 6.3 अरब जारी अखराजात, 17.8 अरब तरक्याती अखराजात, 1.5 अरब बैरूनी इमदाद, कुल 25.7 अरब। लेबर 65.2 करोड़ जारी अखराजात, 33.7 करोड़ तरक्याती, 4.4 करोड़ बैरूनी इमदाद, 1 अरब रुपए का टोटल बजट। लॉ एंड जस्टिस 11 अरब के जारी अखराजात, 3.27 अरब के तरक्याती अखराजात, कुल 14.3 अरब रुपए। लोकल गवर्नमेंट जारी अखराजात 15.7 अरब, तरक्याती अखराजात 3.5 अरब, बैरूनी इमदाद 3 अरब, कुल 22.2 अरब। माइंस एंड मिनरल्स जारी अखराजात 1 अरब, तरक्याती अखराजात 33.7 करोड़, कुल 1.4 अरब। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जारी अखराजात 91 करोड़, तरक्याती अखराजात 51 अरब, बैरूनी इमदाद 12.4 अरब, कुल 64.37 अरब। पॉपुलेशन वेलफेयर यानी बहबूद आबादी 2.8 अरब के जारी अखराजात, 77.5 करोड़ के तरक्याती अखराजात, कुल 3.6 अरब। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE 10.7 अरब के जारी अखराजात, 11.6 अरब के तरक्याती अखराजात, 70 करोड़ की बैरूनी इमदाद, कुल 23 अरब रुपए। रिलीफ डिपार्टमेंट 25.9 अरब के जारी अखराजात, 4 अरब के तरक्याती अखराजात और 70 करोड़ की बैरूनी इमदाद, 23 अरब रुपए का कुल बजट। रेवेन्यू एंड स्टेट 29 अरब के जारी अखराजात, 1.38 अरब के तरक्याती अखराजात, 30.4 अरब रुपए का कुल बजट। सोशल वेलफेयर 5.18 अरब के जारी अखराजात, 1.4 अरब के तरक्याती अखराजात, कुल 6.6 अरब रुपए। स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म 2.6 अरब के जारी अखराजात, 14.6 अरब का ADP और बैरूनी इमदाद 4.7 अरब, कुल 22 अरब रुपए। टेक्निकल एजुकेशन 2.8 अरब के जारी अखराजात, जो सारा टेफ्टा को जाता है, कुल बजट 2.8 अरब, क्योंकि ये वन लाइन में जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जारी अखराजात 5 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 23 करोड़ रुपए, बैरूनी इमदाद 6.8 अरब, कुल बजट 12.1 अरब रुपए। और आखिर में जकात और रुश्वत 39.2 करोड़ के जारी अखराजात, कुल बजट 39.2 करोड़। जनाब स्पीकर, पिछले साल में वो डिपार्टमेंट्स जिनका बजट सबसे ज्यादा बढ़ा, जिसमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उसमें सबसे पहले हेल्थ यानी सेहत का महकमा, जिसका बजट 55 अरब रुपए से बढ़ा, और उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका बजट 47 अरब रुपए से बढ़ा। तो हमें फख्र है कि अभी भी हमारे जो टॉप 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्थ और एजुकेशन है, और जिन 2 डिपार्टमेंट ने बजट सबसे ज्यादा बढ़ा वो भी हेल्थ और एजुकेशन। इसके अलावा पुलिस का बजट 14 अरब रुपए से बढ़ा, और एनर्जी और पावर डिपार्टमेंट का बजट 4th नंबर पे, क्योंकि ये हमारी सारी इकोनॉमी को चलाता है, 11 अरब रुपए से बढ़ा। नाइब स्पीकर, अभी आते हैं बजट के उस हिस्से पे जहां पे हम आम ऐलाना जो अहम ऐलानात करते हैं, जिसका बहुत से लोगों को इंतजार होता है। नाइब स्पीकर, हम इस बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में, तनख्वाहों में हम 16% इजाफा कर रहे हैं, पेंशन में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमने ज्यादातर मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रिस्क अलाउंस का इजाफा ऑलरेडी दिया है, तो ज्यादातर मुलाजमीन की तनख्वाह 31% से बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, इसके अलावा पुलिस के लिए, रेस्क्यूमेंट के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए, जो सारे फील्ड स्टाफ हैं, जो सारे जान की बाजी लगाते हैं, जो सारी फील्ड में सर्विस डिलीवरी करते हैं, उनका अलाउंस हमने डिजास्टर रिस्क जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बराबर बढ़ाया है।
तो उनको वो 15% इजाफा भी मिलेगा। और जनाब स्पीकर, पुलिस के शोदा के पैकेज को भी बढ़ाया है, क्योंकि पुलिस जो खिदमात देती है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारी बजटिंग में और हस्ब मामूल की बजटिंग में बहुत फर्क होता है। आज हमने कैबिनेट में भी डिस्कस किया, और सिर्फ ये मुलाजमीन के पैकेजेस में इजाफे नहीं है, हम बहुत से वो इस्लाहात और रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिससे मुलाजमीन के पैकेजेस सिक्योर भी होंगे, उनको बेहतर मरात भी मिलेंगे। सबसे पहले आज चीफ मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने असूली मंजूरी दी ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन और व्हीकल लीजिंग पॉलिसी को, जिसके तहत हम जो गाड़ी सरकारी खड़ी होती है वो हम रिस्पेक्टिव अफसर्स को देके हुकूमत को 15-20 हज़ार गाड़ियों का बोझ नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारा खर्चा भी कम होगा और सिस्टम भी जैसे जदीद मुल्कों में चलता है वैसे चलेगा, और हमें 15 से 20 अरब रुपए की बचत भी होगी। जनाब स्पीकर, इन मुश्किल हालात में वफाक ने 22 ग्रेड के अफसरानों को 150-50% एग्जीक्यूटिव अलावेंस और डिस्पैरिटी अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस बढ़ाई, जिसका असर अवाम पे अच्छा नहीं जाता। इसलिए हम अपने एग्जीक्यूटिव अलावेंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलावेंस पे तब्दील करेंगे, क्योंकि जैसे हर इदारे में होता है जो बेहतर काम करता है उसको जो है वो ये अलावेंस ज्यादा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। जनाब स्पीकर, अगर अखराजात जाने तो सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं करें, आज असूली फैसला ये भी लिया कि हम अपने ताजरों को, अपने बाजारों को, उनको बिजनेस करना होता है, सारी मईशत उनसे चलती है, उनके टाइमिंग्स हम कम नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने असूली तौर पे फ्राइडेज को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी अप्रूव कराई, जिसके डिटेल्स आगे सामने आएंगे। मतलब उन दफातर में जहां पे सब स्टाफ को जुमे आने की जरूरत नहीं है तो रोटेशन पे कम स्टाफ आएगा, उससे पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, उससे बिजली का खर्चा भी बचेगा। हमारे हिसाब से सिर्फ इस इकदाम से 2 से 5 अरब रुपए जो है वो बच सकते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पेट्रोल के लिए फ्लीट कार्ड का निज़ाम है, वो फैसला भी आज कैबिनेट ने एज एन ऑस्टेरिटी मेजर लिया कि वो फ्लीट कार्ड्स का निज़ाम तमाम डिपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस होगा, ताकि पेट्रोल लेने में कोई ये रिस्क नहीं होगा, ये खतरा नहीं होगा कि कोई जाली पर्चा वर्चा ले के जो है वो वसूली करे। आपकी लिमिट आपके फ्लीट कार्ड में होगी, आप उस पर पेट्रोल ले सकेंगे, इससे भी हमारे ख्याल में 50 करोड़ से 1 अरब रुपए की रियल बचत होगी। जब स्पीकर, ये सारे जो है अहम इस्लाहात, लेकिन जो सबसे अहम रिफॉर्म है वो है हमारा पेंशन रिफॉर्म। पेंशन रिफॉर्म पे हमने पहले भी काम किया है, पेंशन रूल्स को जदीद किया है, हमने पेंशन की हायरार्की को रैशनलाइज किया है। क्यों किया? 2003-04 में हमारे एनुअल पेंशन का बिल 80 करोड़ रुपए था, 87 करोड़ रुपए। इस साल वो 90 अरब रुपए से ज्यादा होगा, अगले साल हमने 107 अरब रुपए बजट किया। वफाकी हुकूमत में ये 543 अरब रुपए का। आज रेलवेज के 101,50,000 मुलाजमीन है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के 99% मुल्कों के बराबर पेंशन फंडेड नहीं होती। तो हमने वो रिफॉर्म करके दिखाया है जो पाकिस्तान में नहीं हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम नए सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशन हमेशा के लिए महफूज। जहां पर मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा कि जो इस पे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो, हरगिज ये पेंशन खत्म करना नहीं है। ये पेंशन प्रोग्राम उन मुलाजमीन को जो उसमें आएंगे ज्यादा पेंशन देगा, कम्यूटेशन भी देगा। नाउ स्पीकर,
ये बचत का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन का तरीका। क्योंकि होगा कैसे, जो नया मुलाजिम आएगा अगर उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो पेंशन फंड में 5,000 रुपए जमा करेगा 10%, गवर्नमेंट उसके मुकाबले में 12% जमा करेगी 6,000, 11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे। और जनाब स्पीकर, 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा, ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है, ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है, सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सकें। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा मेरे हिसाब से, जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फायदा दिया। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को ये अख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एडहॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4,080 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, कि 1 जुलाई से हमारे 675 एडहॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे एनटीएस के टीचर्स, मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 है, उनकी भी एक डिमांड है। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक सीडीएलडी स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा। और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सिस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेनिफिट्स बहुत तरीकों से दे सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा तारीफ हुआ हुआ प्रोग्राम है सेहत कार्ड प्लस, उसका मैंने लास्ट ईयर ऐलान किया था, उस पर 1 साल काम हुआ है, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हम इंशाल्लाह नया टॉप अप पैकेज इंट्रोड्यूस करेंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें ओपीडी की सहूलत भी होगी, मेडिसिन की सहूलत भी होगी और उनकी कवरेज 10 लाख से 4 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक हो। और ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप देखें सरकारी मुलाजमीन को एक छोटी सी मेडिकल अलाउंस मिलती है 1500 रुपए की, 2000 रुपए। 2000 रुपए में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसने क्या करना। लेकिन जब आप ये पैसे इकट्ठे कर दें तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए का हम फंड बनाएंगे
और तमाम बीमारियां कवर करेंगे। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको ये फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी भी कि किसी बीमारी के लिए भी वो चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूवल ले, किसी सियासतदान के पास जाए। जैसे सेहत कार्ड में हॉस्पिटल में हो जाता है, ये सारा कुछ भी होगा। और जनाब स्पीकर, जो कंपनी देगी और आएगी, क्योंकि इसका कंपेटिटिव प्रोसेस होगा, तो उनको हम ये भी कहेंगे कि ये पैकेजेस आप आम पब्लिक को भी दें, ताकि जो 2000, 5000, 6000 का प्रीमियम देके ये एनहांस कवरेज लेना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी ये एनहांस पैकेज ले। तो एक बार सेहत कार्ड के थ्रू ये सारा निजाम तब्दील किया और इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। जब स्पीकर, मैंने ऑलरेडी कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में छोटा सूबा होने के बावजूद रेवेन्यू परफॉर्मेंस बढ़ाई, लेकिन ये सब हमने किया ज्यादातर टैक्स रेट्स कम करके। ये नहीं कि हर रेट हमेशा के लिए एक ही रहता है, लेकिन जो रिलीफ हमने दी है पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे ने नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो 34 टैक्सेस हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड रेट से वो डिस्काउंट देती है, 15% के बजाय 1%, 2%, 8% या 10%। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो ज्यादातर हमने पिछले साल बड़े रेवोल्यूशनरी टैक्स के जो इकदाम लिए थे वो हम तकरीबन सारे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मोटर बाइक और कार रजिस्ट्रेशन इस साल भी 1 रुपए की होगी और बड़ी गाड़ियों की 1% पे होगी। नाब स्पीकर, जो अपना अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स दिसंबर तक दे उसको 20% रियायत होगी। आप जल्दी दे और टैक्स कम दे। नाब स्पीकर, लैंड टैक्स, जो पटवारी लैंड टैक्स लेता है छोटे किसान से, वो हमने पिछले साल 0 किया था और अभी भी 0 रखते हैं। और जनाब स्पीकर, इब्तदाई और सानवी तालीम लड़के और लड़कियों के लिए हमने जो मामूली फीसेस भी थी वो 0 रखी थी और 0 ही रखेंगे। जनाब स्पीकर, जब आप पे 40 पे जाए तो ये आपको दिखाता है KPRA के टैक्स रेट और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स रेट। आप देख सकते हैं कि 10 अरब से 30 अरब कलेक्शन बढ़ाने के बावजूद ये सारी कैटेगरीज में टैक्स रेट पंजाब से और बाकी सूबों से सबसे कम। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इस्लाहात, अगर इस सूबे में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, ये रिकॉर्ड प्रोग्राम सेहत कार्ड की तरह इंट्रोड्यूस किए, इसलिए किए क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया और उस काम को कानूनी शक्ल देने के लिए जो आईन के आर्टिकल 119 के तहत एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस फाइनेंस बिल में हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा फाइनेंस का निजाम ज्यादा शफाफ होगा, बेहतर होगा, मॉडर्नाइज होगा, और ये पाकिस्तान का बेहतरीन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कानून है। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब का शायद इस बजट का जो सबसे तारीखी प्रोग्राम वो है इंसाफ फूड कार्ड। इंसाफ फूड कार्ड के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। 26 अरब रुपए से 10 लाख खानदान यानी 60 लाख लोग फायदा उठाएंगे और उनको टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी आटे पे। टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी आटे पे ताकि जो पुराने सिस्टम में इशू है कि सब्सिडाइज्ड आटा मार्केट में चला जाता है, मार्केट में कोई भी उठा सकता है, ये उन खानदानों को मिलेगा जो सबसे ज्यादा गरीब है और उनको मुफ्त आटा मिलेगा। जब स्पीकर, मैं फखर से कह सकता हूं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लीडरशिप और सपोर्ट दी है इसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि सेहत कार्ड की हमारी पिछले साल की यूटिलाइजेशन तकरीबन 100% थी और एक साल में तकरीबन 8 लाख लोगों ने सेहत कार्ड लिया। 8 लाख लोगों का मतलब 8 लाख खानदान यानी 10% खानदानों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया
और इसलिए इस साल हमने सेहत कार्ड का बजट 25 अरब रुपए रखा। नाउ स्पीकर, ये ख्वाहिश भी चीफ मिनिस्टर साहब ने काफी टाइम से जो है की थी कि इसमें मजीद डिजीजेस शामिल किए जाए। हमने लिवर ट्रांसप्लांट्स शामिल किए, 9 लिवर ट्रांसप्लांट्स, पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में 50-50 लाख के खर्चे तक गरीबों को और मिडिल क्लास को मुफ्त के हुए। इंशाल्लाह इस साल हम फेज वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉक्लियर इम्प्लांट, थैलेसीमिया और आपकी कैंसर की कवरेज है। जनाब स्पीकर, ये सारी वो बीमारियां हैं जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लगते हैं। कोई मिडिल क्लास आदमी भी इनको नहीं बर्दाश्त कर सकता इनके खर्चे को। तो ये सारी इंशाल्लाह इसका हम तरीका निकालेंगे और इस साल हम सेहत कार्ड में इनको शामिल करेंगे। ये इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड प्लस, जो वफाकी हुकूमत है वो इस प्रोग्राम को सियासी करके सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। हम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाएंगे। जनाब स्पीकर, एमपीआई के लिए 53.6 अरब रुपए का तारीखी बजट, 53.6 अरब रुपए का तारीखी बजट उन एमपीआई के लिए, उन एमपीआई के लिए। अगर गरीबों का ख्याल नहीं रख सकते तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अगर कबाइली अजला को बजट नहीं दे सकते तो बर्दाश्त करें। जनाब स्पीकर, इस साल 4 नए एमपीआई बनाएंगे, हरिपुर में, कोहाट में, फाउंटेन हाउस पेशावर और कारसता में एमपीआई बनाएंगे। इंशाल्लाह अगले 3 महीनों के अंदर बनाएंगे। और जनाब स्पीकर, 4 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम होगा, दीर में जो तैयार है, बुनेर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, चारसता में भी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम राइट की बिल्डिंग को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द, क्योंकि पेशावर वैली में ये एक जिला है जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। और जनाब स्पीकर, हरिपुर में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बनी है, शोले यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे के वो हरिपुर मेडिकल कॉलेज बनाएगा, डीएचयू के साथ वो एमपीआई बनेगा। और जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मानसेरा में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि सेहत कार्ड के बाद हम यहां पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। जनाब स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स से सेकेंडरी जो हॉस्पिटल्स उनको बेहतर करने के लिए सारे 32 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और उसमें पेशावर के मौलवी जी हॉस्पिटल और नसीरुल्ला बाबर हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो दो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं इनकी ओपीडी सबसे ज्यादा होती है, इनके रिवैम्प के लिए जो 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बना है इस साल, उसमें 3 अरब रुपए और जो फेज 1 और फेज 2 के हॉस्पिटल हैं उन सब में इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू होगा। उनकी डिटेल डिजाइन बन चुके हैं और वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने पेज नंबर 47 से उनके जो फसाद है, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन हॉस्पिटल हो। नाउ द स्पीकर, हमने फखर से हेल्थ में ट्रेडिशनल मोड को भी इस्तेमाल किया, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल किया और इंशाल्लाह हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू 34 अजला में, पेज 48 पे पूरी लिस्ट है, 34 अजला में 58 हॉस्पिटल्स को पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे चलाएंगे, जिससे तकरीबन 3000 से जायद बेड जो फाल नहीं है वो फाल हो जाएंगे। हमारी हेल्थ की एक्चुअल कैपेसिटी तकरीबन 50% ज्यादा हो जाएगी। तब स्पीकर, हमारा बड़ा सक्सेसफुल तजर्बा रहा है इख्तियार डिवॉल्व करके, हर बीएचयू को इख्तियार देके कि वो अपने आप पे खुद खर्चा करे और 6 महीनों के अंदर
पूरे सूबे में 681 BHUs जो है वो रिवैम्प हो गए, वो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और हमने 2.1 अरब रुपए रखे हैं। ये PTCs की तरह इनको हर साल पैसे जाएंगे, BHUs को, RHCs को, और हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी पाकिस्तान का बेहतरीन बनेगा। डॉक्टर स्पीकर, इसी को बेहतर करने के लिए पहला सूबा है जिसने हर BHU का, हर RHC का DDO कोड बना दिया ताकि फाइनेंशियल अख्तियार वहां पे हो, और इंशाल्लाह इसके बाद हम स्कूलों में भी बनाएंगे ताकि स्कूल भी जो है वो असली रेवोल्यूशन हो, स्कूल खुद से जो है वो अपना बजट इस्तेमाल करें। और जनाब स्पीकर, इसी तरह हम 15 वो अजला जहां पे सरकारी डॉक्टर मुश्किल से जाएंगे उनको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चलाएंगे, जिसमें फेज 1 में बुनीर, चित्राल लोअर, चित्राल अपर, दीर अपर, मोमान, शाहला, टांक और तोरखर, और फेज 1B में अपर और लोअर कोहिस्तान, कोलई पालस, साउथ एंड नॉर्थ वजीरिस्तान, हंगू और औरंगजई शामिल। लॉर्ड स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब की एक और विजन थी और उन्होंने हर महीने तकरीबन फॉलो किया कि हमें MRIs की सहूलत बड़े शहरों से बाहर देनी चाहिए। 8 अजला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू MRIs जो है, MRIs की खिदमत, उनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया। उस पे हुकूमत 50 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी देगी। इस प्रोग्राम की वजह से जो 4-5 अरब रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था वो सारा बच गया, और सेतु ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, खलीफा गुलनवाज बनू में, DHU चारसदा में, DHU कोहाट में, DHU हरिपुर में, DHU मालाकंड में और DHU लोअर बीर में MRIs की सहूलत इंशाल्लाह अगले 6 महीनों में आ जाएगी। जनाब स्पीकर, आवाम के लिए 10 अरब रुपए की लागत से मुफ्त दवाएं फराहम की जाएगी। रिकॉर्ड बजट हमने नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल में और मौलवी जी हॉस्पिटल में फ्री OPD मेडिसिन का सिस्टम ऑलरेडी शुरू किया है, और इन 10 अरब रुपए में फ्री OPD मेडिसिन का भी सरकारी हॉस्पिटल में हम रोल आउट कंप्लीट करेंगे। हमें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक का पैसा मिला जाए, हम पूरे पाकिस्तान को डेवलपमेंट का तरीका दिखाएंगे। जनाब स्पीकर, जो हमारे पास NHWs और NHSS की कमी थी, 2-3 साल में 13,000+ NHWs और NHSS को रिक्रूट करने का पहला मरहला, 50 करोड़ रुपए मख्स, 3,500 इजाफी NHWs और 70 इजाफी NHSS, ताकि कोविड में हमने देखा कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का स्टाफ 100% कवरेज के लिए पूरा हो। और जनाब स्पीकर, पहली बार तारीख में, क्योंकि पोलियो एक चैलेंज है और एक ऐसे चैलेंज है जो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चंद अजला में रहा, हमने एक स्पेशल ग्रांट बनू डिवीजन के लिए और DI खान डिवीजन के लिए 1 अरब रुपए का करंट साइड की पोजीशन रखी है, ताकि जो पोलियो की एक्टिविटीज हो, अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो हम वहां से फंड करें, इंशाल्लाह हम पोलियो का खात्मा भी करेंगे। स्पीकर, एक और सुबह है जहाँ आजकल एक रेस्क्यू सर्विस के एड्स हर रोज चलते हैं, रेस्क्यू सर्विस वहां पे नहीं है। हमें फख्र है कि यहाँ पे पाकिस्तान की बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस है, उनके साथ हेल्थ केयर एम्बुलेंसेस को भी इंटीग्रेट कर दिया है, और इंशाल्लाह उनको हम 2 नई सर्विसेज जो है वो देंगे। एक हम देंगे मटर्नल एम्बुलेंस सर्विस, जिसके लिए 1.3 अरब रुपए उनको दिए जा चुके हैं, ताकि सारे जो रूरल एरिया से जिन खवातीन की डिलीवरीज होती है और बात हो जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, वो करीबी हॉस्पिटल रेस्क्यू सर्विस के डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज इस्तेमाल करके कर सके। और इसी तरह जो हम फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू में मर्ज करना चाहते थे वो भी इंशाल्लाह इस साल करेंगे, और 10.6 अरब रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 सर्विसेज हर डिस्ट्रिक्ट में, नहीं जनाब डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में इंशाल्लाह 2023 के एंड से पहले हो। स्पीकर, मोबाइल हाईवेज और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज का क्याम भी जून 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा, और 8 पॉइंट्स पे कोहाट बनू रोड, गंभीला इंडस, पिशावर मर्दान, मर्दान समाधि, करकुरम निशान, स्वात एक्सप्रेस वे, लोहारी थाना और सराय सलार इंटरचेंज पे मोबाइल रेस्क्यू सर्विसेज भी अवेलेबल है। स्पीकर, एजुकेशन पे आते हैं, हमने हमेशा फख्र किया है कि बाकी सूबों के नस्बत
बजट की परसेंटेज के लिहाज से एजुकेशन का बजट सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया जाता है। चंद सिर्फ चंद स्कीमें 2 अरब रुपए 3 अरब रुपए ऑलरेडी दिए 2 अरब रुपए और अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी ज्यादा देंगे फर्नीचर के लिए ताकि किसी बच्चे को जमीन पे ना बैठना पड़े। नाउ द स्पीकर 1 अरब रुपए उन स्कूलों को जहां पे 4 टीचर नहीं है ताकि पीटीसी शॉर्ट टर्म में खुद से टीचर ले सके और नाउ द स्पीकर 1 अरब रुपए ताकि जो सेकंड शिफ्ट के स्कूल हैं तकरीबन 1000 मेरे ख्याल में कि वो डबल हो सके। नाउ द स्पीकर 2.4 अरब रुपए तलबात के लिए वजायफ और 90 करोड़ रुपए स्कूल के तलबा के लिए वजायफ के मद में मुख्तस किए गए और नाउ द स्पीकर तालीम के लिए 140 अरब रुपए की लागत से 105 मंसूबों के साथ एडीपी में भी 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए जिसकी सारी स्कीमों की समरी यहां मौजूद है। नाउ द स्पीकर इसी तरह जब हम आला तालीम पे आते हैं तो आला तालीम में यूनिवर्सिटीज के लिए 9 सब कैंपसेस यूनिवर्सिटीज में अपग्रेड हो रही है। 3 अरब रुपए हमने एज अ टॉप अप रखा है उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो। 1.4 अरब रुपए फाखोशोले यूनिवर्सिटी को हम जुलाई में ही दे देंगे और जनाब स्पीकर एक और मेरे ख्याल में जो 2-3 सबसे बड़े प्रोग्राम उसमें जो हायर एजुकेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है इंसाफ एजुकेशन का और जैसे हेल्थ में हमने हेल्थ कार्ड दिया इंसाफ एजुकेशन कार्ड के बाद वो गरीब बच्चा जो अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके पास फीस नहीं होती पैसे नहीं होते वो अगर चाहता है मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी से करना वो आगा खान यूनिवर्सिटी जा सकता है। अगर वो एमबीए करना चाहता है लम्स से वो लम्स जा सकता है। अगर वो इंजीनियरिंग नास्क या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है अगर उसकी महारत हो और जहालत हो तो हम उसको सिर्फ पैसों की वजह से क्यों रखें। तो इंसाफ एजुकेशन कार्ड हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप का पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम होगा। स्पीकर एजुकेशन में ही रहते हुए पूरे पाकिस्तान में एक नेग्लेक्टेड महकमा है और वो है स्पेशल एजुकेशन। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन सोशल वेलफेयर में डाल दिया जाता है। पूरी दुनिया में स्पेशल एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है। इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारे पब्लिक सेक्टर सिस्टम में क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है किसी भी सिस्टम में 10% बच्चों की किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है। मतलब 3 से 5 लाख बच्चों की कोई ना कोई इंपेयरमेंट चाहे वो नजर की हो चाहे कोई और हो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन एमओयू साइन करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का स्टाफ एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकेगा करिकुलम को इस्तेमाल कर सकेगा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा जिनको चश्मों की जरूरत होगी चश्मे देंगे। जहां पे स्कूलों में डिसेबिलिटी रैंप्स की जरूरत होगी वो बनाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन जल्दी आएगा चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत किए कि तैयारी करके इसको फिर एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए और ये विजन भी सिर्फ पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में देखे। नाउ स्पीकर मैंने इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन और इनोवेशन की बात की। न्यू पेशावर वैली सिटी खैबर पख्तूनख्वा का फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम जिसमें 1,08,000 कनाल कवरेज पीडीए मंजूर शुदा और तकरीबन 78,000 रिहायशी प्लॉट्स जिसमें मेरे ख्याल में सीएम साहब पहले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इसी महीने दे देंगे ये पेशावर के रियल एस्टेट सेक्टर को भी तब्दील करेगा। जनाब स्पीकर बीआरटी वो तारीखी बस सर्विस है जो क्लाइमेट फ्रेंडली भी है और जो 2 साल से कम में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को पेशावर की आबादी है 50 लाख 10 करोड़ लोगों की राइडरशिप बीआरटी में 2 साल में जो है वो बढ़ी है
ढाई लाख की इसकी डेली कैपेसिटी थी, 86 नए बसेस आ जाएंगे, 86 नए बसेस के बाद इसकी कैपेसिटी 3.5 लाख हो जाएगी और इसके लिए 1 अरब रुपए 6 नए फीडर रूट्स के लिए रखे, हयातबाद फेज 1 में एक्सटेंशन, नासरबाग रोड पे एक्सटेंशन, चमकनी से पबी ताकि पिशावर और नौशहरा भी कनेक्ट हो जाए, बरसत रोड, खैबर रोड और चारसद्दा रोड की भी एक्सटेंशन जो है, ये 6 ऑलरेडी पिछले कपूमा की मीटिंग में अप्रूव हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट होगी। और जनाब स्पीकर, इसके अलावा 50 करोड़ रुपए जो आईजी पुलिस ने वादा किया था और उम्मीद है कि जरूर लगाएंगे कि पिशावर सेफ सिटी को इस बार वाकई बनाएंगे, उसका फेज 1 हयातबाद से शुरू होगा स्ट्रीमलाइन तरीके में और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको एक्सपैंड करेंगे पूरे पिशावर में भी और पूरे सूबे में। नाम स्पीकर, लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं, 6 अरब रुपए WSSC और WSSP के लिए मुख्तस, जिसमें 4.1 अरब रुपए उनका बजट, 1 अरब रुपए का कंटिजेंसी ग्रांट करंट साइड पे अगर जरूरत हो और 97 करोड़ रुपए डेवलपमेंट साइड पे, 18 अरब रुपए से हमारी विलेज और नेबरहुड काउंसिल चलेंगी, इसमें उनके तनख्वाहों के बजट शामिल नहीं है। नाम स्पीकर, ऑन रिकॉर्ड में ये कहना चाहूंगी, आज कैबिनेट में भी बात हुई कि जितना डेवलपमेंट ग्रांट खैबर पख्तूनख्वा अपने लोकल गवर्नमेंट्स को देती है उतना पंजाब नहीं देती, हालांकि 4 गुना बड़ा सूबा सिंध में, तो लोकल गवर्नमेंट कभी कोई ज्यादा तारीफ रही नहीं है। नाम स्पीकर, विलेज काउंसिल के लिए 16.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट और 2 अरब रुपए उसके अलावा, ताकि जो बड़ा कामयाब एक प्रोग्राम रहा है कि हर विलेज में 2-2, 3-3 जैनिटर्स आ जाते हैं, उसके लिए भी पूरे साल में फंड है। नाम स्पीकर, PMAs और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए 37 अरब रुपए, जिससे 24.6 अरब रुपए उनका तरक्याती बजट, 9.4 अरब रुपए लोकल काउंसिल ग्रांट, 2 अरब रुपए वीक PMAs के लिए और 1 अरब रुपए डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए टॉप अप ग्रांट। और एक और जो प्रोग्राम बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, अब स्पीकर इस पे आपने भी बात की है, ड्रग एडिक्ट्स का जो इशू है, इस पे पिशावर में काम शुरू हुआ है। हमारे सोशल वेलफेयर सेंटर में 100 लोगों की कैपेसिटी होती थी, वो ऑलरेडी 100 से 1000 तक बढ़ा दी गई है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी को भी इस्तेमाल किया गया है और मनियात से पाक माहौल की कोशिशें कंटिन्यू करने के लिए 18 करोड़ रुपए से यह निजाम जहां जहां जरूरत होगी एक्सपैंड किया जाएगा। स्पीकर, SC और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 अरब रुपए का तारीखी बजट है, जिसमें 1 अरब रुपए का ग्रांट KPIT बोर्ड के लिए, ताकि वो IT का एक इनोवेशन भाग भरे, 22.5 करोड़ रुपए यूथ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, 77.3 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी पार्क के लिए और 45.6 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स के। नाम स्पीकर, हम माजी में खवातीन को भूल जाते थे, खवातीन को नहीं भूलते अपने बजट्स में। पिछले साल हमने जो स्पेशल स्कीम, वैसे तो आधा बजट ही खवातीन का है, लेकिन जो स्पेशल स्कीम्स थी, लास्ट ईयर 1 अरब रुपए की थी, इस साल 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की। नाम स्पीकर, इसी तरह 10 करोड़ रुपए बुजुर्ग सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए, 5 करोड़ रुपए फाजा सराव के लिए और 45 करोड़ रुपए अकलियतों के लिए भी रखे गए हैं खसूसी स्कीम से। जब स्पीकर, हमारी हुकूमत क्लाइमेट चेंज से भी आगाह है और ग्रीन तवानाई, यानी वो तवानाई जो कि क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल को बुरी ना करे, उसको भी तवज्जो देती है, उसके लिए 4 अरब रुपए से सोलराइजेशन और खास तौर पे 11,300 मसाजिद की सोलराइजेशन का प्रोग्राम पूरे सूबे में जारी रहेगा, 15.8 अरब रुपए हाइड्रो पावर की बिजली के मंसूबों के लिए और 1.2 अरब रुपए हम टेस्को को देंगे, ताकि कबाइली अजला में जहाँ पे बिजली का निजाम कमजोर है लेकिन अफसोस से ये वफाकी हुकूमत उसको फंड नहीं करेगी, हमारे पास जो मसाइल है हम उससे फंड करें।
साहब स्पीकर, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 2 अरब रुपए और भी मुख्तस किए गए हैं, 1.8 अरब रुपए हमारे बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन के लिए, 15 करोड़ रुपए क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो ज़रात हमारे सूबे में होती है जैसे क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा होगा ज़रात की तब्दील होंगी, 10 करोड़ रुपए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन लेने के लिए ताकि हम अपनी एयर क्वालिटी भी बेहतर रख सकें, और 10 करोड़ रुपए ये पहला सूबा बनेगा जो अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान भी बनाएगा। नाउ स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म इंडस्ट्री का हब है और टूरिज्म के लिए और खास तौर पे इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए 15.5 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट, जिसमें 14 अरब रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड तरक्याती बजट शामिल। नाउ स्पीकर, मईशत चलती है आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कम्युनिकेशन का मतलब रोड्स, रोड्स के लिए एक तारीखी 47.8 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। और जनाब स्पीकर, अभी आते हैं कुछ हमारे बड़े मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उस सब पे जो है पेशरफ्त हुई है और इंशाल्लाह इस साल और होगी। पेशावर में पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड टर्शियरी हॉस्पिटल, सेहत कार्ड हमने दिया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई थी, रिंग रोड पे जमीन 1988 से पड़ी है, किसने काम नहीं किया, प्राइवेट इन्वेस्टर आके अस्पताल बनाएगा, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन सेहत कार्ड से होगी और भी आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर रहे हैं और उन्होंने अदादो शुमार बताए मुख्तलिफ सेक्टर्स में। उन्होंने कहा कि शोदा पैकेज में भी इजाफा किया गया है, आइंदा माली साल के लिए सूबे का बजट 1,332 अरब रुपए रखा गया है, ज़रात के लिए 14 अरब 67 करोड़, तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी इस बजट में शामिल है। तैमूर सलीम झगड़ा जो कि बजट पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि तनख्वाहों के लिए 449 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पुलिस शोहदा के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है। स्वात मोटरवे फेज 1 तो बन गया, स्वात मोटरवे फेज 2 के जरिए स्वात के दूर दराज इलाकों में भी सियायत जो है वो खुल जाएगी और उसकी अप्रूवल भी जो है वो CDWP से आ चुकी है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हो गया है, इंशाल्लाह उसमें इस साल काम शुरू होगा। और जनाब स्पीकर, आज से कुछ दिन पहले वो तारीखी प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा की, जनूबी अज़ा की और पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा, उसको हमने CDWP से अप्रूव कराया। मैं बात कर रहा हूँ चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल की, जो कि 286 एकड़ जमीन को इरिगेट करेगा, जो कि जनूबी अज़ा की इकोनॉमी को तब्दील करेगा। और ये जो 240 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें 65% शेयर सूबे का हो। जनाब स्पीकर, DI खान पेशावर मोटरवे पे भी पेशरफ्त हो रही है, अफसोस ये प्रोजेक्ट वैसे PSDP का हिस्सा होना चाहिए जो वहाँ PSDP है, क्योंकि आखिरी रात पे, बल्कि अभी तक वो बदल रहे हैं उसको, लेकिन जनाब स्पीकर इंशाल्लाह इसको भी हम CDWP से अप्रूव कराएंगे और हर हाल में बनवाएंगे। जो 70 साल में इन्होंने नहीं बनाया, 70 साल में इन्होंने नहीं अप्रूव किया, वो इंशाल्लाह हम इसी साल अप्रूव कराएंगे। जनाब स्पीकर, डीर मोटरवे भी एडवांस स्टेज पे है और जनाब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए हम लड़े थे, जो पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क को तोरखम तक पहुंचाएगी, उसको भी हम जाती इंटरेस्ट लेके सुपरवाइज करेंगे ताकि इंशाल्लाह ये मोटरवे भी बन जाए। और चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल के साथ उस दिन भी इनके जो सारे दोस्त थे वफाकी हुकूमत में, वो कह रहे थे इसके पैसे कहाँ से आएंगे,
हमने कहा हम इंशाल्लाह व्हीलिंग से देंगे और इंशाल्लाह हम दरबार इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके वहां पे वो इकोनॉमी बनाएंगे ताकि वो इसको फाइनेंस कर सकता। नाम स्पीकर मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा अभी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था। हम जब दुबई गए दुबई एक्सपो के लिए तो चारों सूबों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा लाई। $8 अरब के MOU साइन किए और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये MOU नहीं रहने चाहिए। तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते उसमें से ₹1 अरब के 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में, पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स और हरिपुर में एक स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद की एक्सटेंशन बन जाएगी, $1 अरब के MOUs LOIs में तब्दील हो गए हैं और इंशाल्लाह उसको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। और जनाब स्पीकर मैंने लास्ट ईयर वादा किया था कि बैंक ऑफ खैबर ₹10 अरब के कर्जे जो है उसका प्रोग्राम इनिशिएट करेगा। जनाब स्पीकर बैंक ऑफ खैबर ने ₹25 अरब के कर्जे आम सिटीजन्स के लिए, गरीबों के लिए, कबाइली अजला के यूथ के लिए और छोटे सनअतकारों के लिए उनके प्रोग्राम शुरू कर दिए। आखिर में दो अहम बता, नाब स्पीकर मैं हर साल नेट हाइडल प्रॉफिट्स की बात करता हूं। इन चार साल में हमने नेट हाइडल प्रॉफिट्स के मसले पर इमरान खान की हुकूमत में बहुत पेशरफ कर ली। हमें महाना पैसे मिल रहे थे, CCI में चीफ मिनिस्टर साहब ने उनकी इंसिस्टेंस पे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को टास्क दिया गया कि एजीएन काजी फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन पर रिपोर्ट लिखें, वो फाइनल हो गई। नाब स्पीकर पिछले साल जो बकाया जा 30 जून को शौकत तरीन साहब से एक दिन पे ₹25 अरब वसूल किए और इस साल भी ₹21 अरब वसूल किए और शौकत तरीन साहब ने कमिटमेंट की थी कि जून तक जो पेंडिंग एरियर्स हैं और इंडेक्सेशन के मसले हैं उसको हल करेंगे। लेकिन अफसोस से जनाब स्पीकर जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है हमें NHP का एक पैसा नहीं मिला। स्पीकर ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है। मैं बात करना चाहता हूं कबाइली अजला पे, ये भी रुकेंगे, इनको रखना चाहिए कबाइली अजला के लिए क्योंकि कबाइली अजला का बजट जो 3 साल में ₹40 अरब से इमरान खान साहब ने ₹130 अरब तक बढ़ाया, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आके, और मैंने बार बार इन लोगों को कहा कि आवाज उठाए, आज तक एक बंदे ने आवाज उठाई, एक बंदे ने आवाज नहीं उठाई, ना एपी ने उठाई है, ना मुस्लिम लीग ने उठाई है, ना पीपल्स पार्टी ने उठाई है, एक बंदे ने नहीं उठाई। जब स्पीकर 130 अरब का बजट कम करके 110 अरब कर दिया है, तरक्याती बजट भी कम किया है, बाकी बजट जो करंट बजट है वो 7 अरब पे रखा है और रेफ्यूजीज के लिए, GDPs के लिए एक पैसा नहीं रखा, एक पैसा नहीं रखना, शर्म आनी चाहिए। स्पीकर आपकी अदालत से मैं यही बात पश्चो में भी कहना चाहता हूं ताकि हमारे कबाइली अजला के दोस्त ये समझ जाए, जब कबाइली अजला बजट इमरान खान से वजीर आजम हो ₹90 अरब रुपोना यो सल और 1.5 अरब रुपोता इजाफा हम पके कहें क्योंकि दस रुपी मसला था, दस इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर सर हम डिस्कस का रात इबादत का चिदाब हम का हल को पदेश मार तभी चिदाब 7 अरब रुपयों के वतन फरकान इन दस का किया और कसान ने इन लड़ाई करी थी कबाइली अपना हल को सर बाजे करी थी 80 अरब रुपए को तो देख कार खर्चा रहा था कबूल का योग का संपर्क नहीं था 7 अरब रुपए इस तरह से करा कर स्पीकर से बताई मात हो आओ में ब्याह की काफी ये सेशन पर तो मात दंड ने पता लगेगा
maximum the same the UI wala jikam wala na se na se हमारे नए स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस अजीत शाह साहब, हमारे